राजनीति अलग होती है, महिलाओं के मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन आजादी के 77 साल बाद देश में महिलाओं की स्थिति क्या है? नारी सशक्तिकरण के संदेश का परीक्षण भी पटियाल अब करेगा। अब मैंने कुछ सालों में जो पिछला डाटा था महिलाओं से जुड़ा हुआ वो खंगाला। महिलाओं को सुरक्षा की कितनी गारंटी मिली अब ये बताता हूं। महिलाओं के खिलाफ अपराध की बात क्या है वो सिलसिलेवार तरीके से आपको बताऊंगा। 2022 में महिला अपराध के कुल 4,45,256 केस दर्ज हुए हमारे देश में। इनमें 7.1% केस रेप के हैं। ये आंकड़ा 2021 के मुकाबले 4% बढ़ गया है। रेप के मामलों में कौन सा राज्य अव्वल है अब ये सुन लीजिए आप। 2022 में राजस्थान में रेप के 5,408 केस सामने आए, उत्तर प्रदेश में 3,692 केस हुए, मध्य प्रदेश में 3,046 महिलाओं के साथ रेप के मामले पुलिस ने दर्ज किए। ये जिला वाइज, ये मैं आपको राज्य वाइज बता रहा हूं, यानी महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में राजस्थान टॉप पर है। लेकिन क्या राजनीति में संदेश खाली जैसा हल्ला इन तमाम मामलों को लेकर हुआ? नहीं हुआ। अब एक और आंकड़ा आपको बताता हूं, इससे पूरी पिक्चर और क्लियर हो जाएगी कि महिलाओं के नाम पर खाली संदेश दिए जा रहे हैं या फिर कुछ ठोस रणनीति भी है। पिछले 3 साल में महिलाओं के खिलाफ अपराध का ग्राफ कितनी तेजी से बढ़ा, अब इस पर गौर कीजिए। साल 2020 में कुल 21,516 रेप केस सामने आए, जबकि यह आंकड़ा 2022 में बढ़कर 28,046 हो गया, यानी 3 साल में रेप केस 11% बढ़ गए। एक सवाल मेरे जहन में और है, क्या महिलाओं के खिलाफ अचानक आपराधिक मामले बढ़े हैं या फिर उनकी स्थिति पहले जैसी ही है, खासकर तब जब देश की या किसी सूबे की बागडोर किसी महिला के हाथ में रही हो। इसके लिए मैंने कुछ और फैक्ट्स जुटाए, अब आपको वो बताता हूं। 1984 में जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी तब कुल अपराध के मामले कितने दर्ज हुए, 13,98,660। इसमें 6,740 मामले रेप के थे। अब बात 2022 की करें तो कुल अपराध के मामले बढ़कर 35,61,379 हो चुके हैं। रेप के केस भी बढ़े हैं। 1984 में 6,740 रेप के केस दर्ज हुए थे और 2022 में 31,516 रेप के केस दर्ज हुए। बढ़े हुए परसेंटेज के हिसाब से रेप के केसेस में 5% की बढ़ोतरी हुई है। अब अगली बात कर लेते हैं महिला दिवस पर महिलाओं के हक से जुड़ी हुई, यानी महिला दिवस से पहले महिलाओं के नाम पर खाली संदेश देने भर से काम नहीं चलता और ना ही वोट पाने के लिए उनसे सिर्फ कोरे वादे करने से। अब मैं आपको जम्मू कश्मीर लेकर चलूंगा। 370 हटने के बाद आज प्रधानमंत्री पहली बार जम्मू कश्मीर गए, विकसित भारत और विकसित जम्मू कश्मीर की बात की। 6,400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन भी किया, 1,000 युवाओं को जॉब लेटर भी बांटे। कश्मीर में ये संदेश एक सपने जैसा है जिसका विश्लेषण यहाँ के लोगों ने खुद करना है। प्रधानमंत्री नारी शक्ति की बात करते हैं, कश्मीर में भी महिला और महिलाओं से प्रधानमंत्री मिले, महिला शिल्पकारों के स्टॉल पर भी गए, खरीदारी की और नारी सशक्तिकरण का फॉर्मूला भी दिया। शोपियां, जम्मू और कुपवाड़ा समेत कई जिलों की महिलाएं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी पीएम मोदी से जुड़ी। पीएम मोदी ने नारी शक्ति को जो मंत्र दिया है, महिला दिवस की पूर्व संध्या पर मैंने इसका एक छोटा सा क्लिप तैयार करवाया है, आप भी देखिए। सर आदाब। सर मैं एहतिसाम मजीद रावलपुरा श्रीनगर से, और मेरे साथ फरहीना बशीर बारामूला से, सईद राफिया कुपवारा से और सकीना नजीर बांडीपोरा से। आपके बहुत सर बड़ी हम टीम मिडिल है। सर अच्छा, अपने बारे में बताइए जी, आपने इस व्यवसाय में कैसे कदम रखा और इसको कैसे बढ़ाया? जी सर, सर हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। सर हम बचपन से ही बहुत पैशनेट थे बेकरी को लेके, जो ही हमारा एडमिशन फूड टेक्नोलॉजी स्किल डेवलपमेंट में हुआ। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेस्ट बंगाल गए थे तब उन्होंने नारी शक्ति को दुर्गा कहा था। अगर महिलाओं को सच में दुर्गा बनाना है, शक्ति बनाना है, तो देश को उन्हें सम्मान और सुरक्षा की गारंटी देनी होगी, क्योंकि और समाज को केयर की गारंटी देती है लेकिन उसे केयर के सही सम्मान की गारंटी नहीं मिलती, और जब तक ऐसा नहीं होगा महिलाओं की सूरत बदलना मुश्किल है।
देश में महिलाओं का क्या योगदान है, इस डाटा का परीक्षण भी पटियाल ने किया है। कृषि क्षेत्र में अगर महिला और पुरुष का आंकड़ा देखें तो पुरुष 383 रुपए प्रतिदिन कमाता है तो महिलाएं 294 रुपए प्रतिदिन कमाती हैं। कुल कमाई का जो अंतर है उससे आप 2 किलो चावल खरीद सकते हैं। सैलरीड क्लास में पुरुष को हर महीने औसतन 20,666 रुपए वेतन मिलता है और महिलाओं को औसतन 15,722 रुपए, करीब 5,000 रुपए का अंतर है। देश की जीडीपी में महिलाओं की भागीदारी सिर्फ 18% है। दुनिया की इकोनॉमी में महिलाओं की भागीदारी 37% है। देश की महिलाएं कितनी सशक्त हैं, मैंने इसका भी परीक्षण किया, डाटा हैरान करने वाला है, अब उस पर गौर कीजिए। हमारे यहां आर्मी में सिर्फ 4% महिलाएं हैं, नेवी में 6%, एयरफोर्स में 14%, पुलिस फोर्स में 10% और राजनीति के क्षेत्र में संसद में कितनी पहुंची, 13%, विधानसभाओं में 9%, सुप्रीम कोर्ट में महिला जस्टिस की बात करें तो 10% है और हाई कोर्ट्स में अगर महिला जस्टिस की बात करें तो वो आंकड़ा भी आपके सामने है, वो है 14%। महिला दिवस पर खाली संदेश देने से काम नहीं चलेगा, जरूरत है नारी सशक्तिकरण की राह में सही कदम उठाने की, क्योंकि आबादी में तो महिलाएं देश में पुरुषों के करीब करीब बराबर हो गई हैं, लेकिन सामाजिक बराबरी में पिछड़ी हुई हैं। पटियाल का मानना है कि नारी शक्ति बस वोट बैंक ना बनकर रह जाए। देश की 144 करोड़ आबादी में कितनी संख्या है महिलाओं की, 47 करोड़ महिला वोटर हैं उनमें। लोकसभा की सभी 543 सीटों पर महिला वोटर्स गेम चेंजर की भूमिका में रहती हैं, यानी जहां महिला वोट महत्वपूर्ण है, लेकिन 2019 में 78 महिला सांसद चुनकर संसद में पहुंची थी। महिलाओं की आबादी देश में 48% है, अगर नारी शक्ति को सत्ता और सिस्टम में सही जगह मिली तो देश को विकसित करना, भारत को अगर सपने की तौर पर सपनों की दुनिया का भारत बनाना है, विकसित भारत बनाना है, तो वो सपना जरूर पूरा होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।